पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का राघोगढ़ में जोशीला स्वागत किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह मोहन यादव जी की पार्टी के ही तो 25 साल के पाप है जिन्हें प्रदेश की जनता भोग रही है। 25 साल से दोषी भाजपा की सरकार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विजयपुर उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह की जोड़ी एक्टिव हो गई है। जीतू पटवारी मंगलवार को श्योपुर जा रहे थे, इसी दौरान गुना जिले की सीमा में पूर्व मंत्री और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने अपनी टीम के साथ पटवारी की जोरदार अगवानी की। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जयवर्धन सिंह ने उन्हें कार्यकर्ताओं से मिलवाया। यहाँ से जयवर्धन सिंह भी उनके साथ श्योपुर के लिए रवाना हुए। प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 25 साल से सरकार है। अगर आकलन किया जाए सब परिवार के लोग अपने अपने घरों में झांके जिन्होंने उनको वोट दिया, 25 साल से दोषी बीजेपी की सरकार है। साथ ही साथ पटवारी ने सीएम मोहन यादव को भी आईना दिखाया है। कई बार कहा भी है जनता पार्टी की 25 साल से सरकार है जी। अगर आकलन किया जाए सब परिवार के लोग अपने अपने घरों में झांके जिन्होंने उनको वोट दिया जी। क्या आपका बेटा नशा करता है तो 25 साल से दोषी बीजेपी की सरकार है जी। अगर आपके घर में बच्चे को रोजगार नहीं है तो 25 साल से बीजेपी है। अगर मध्य प्रदेश में बेटियों की लाज नहीं बचाई जा रही तो 25 साल से बीजेपी है। और कानून व्यवस्था को लेकर भाषण करते हैं मोहन यादव जी, तो अब उनको पता चलना चाहिए इस बात को कि 25 साल से आप ही की पार्टी के तो पाप है जिनको मध्य प्रदेश की जनता भोग प्रतापगढ़ काम क्यों नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन को रोक रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ नशे पर प्रदेश सरकार कड़ा प्रहार करने की बात कर रही है तो दूसरी ओर हर दिन नशे को लेकर हो रहे खुलासे पर कांग्रेस हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गुना।